हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को डिटेल में समझेंगे. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग पहले लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसे हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं. व्हेन द न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वी गेट द कोसाइन विद अ डेफिनेट नंबर ऑफ अ डेसिमल प्लेस. ओके, एंड द रिमाइंडर बिकेम्स जीरो. ओके, देर इज नो रिमाइंडर इज लेफ्ट. ओके, तब वो नंबर हमारा जो डेसिमल में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सपोज हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, 5/8. जब इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से 5 को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, द न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ओके, तो 8 से हम 5 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो 8 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा हमारा, देन इट विल गो 6 टाइम्स. 8 6 48. ओके, अगेन 2, तो यहाँ डेसिमल है तो हम लोग यहाँ पर 10 और ले सकते हैं. देन 20 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 इज 16, 2 टाइम्स में. अगेन रिमाइंडर इज 4, डेसिमल है तो 1 2, अभी 2 टाइम्स ही हम लोगों ने जी लिया, थर्ड टाइम हम लोगों ने ले लिया. नाउ द 8 से 40 को डिवाइड करें तो 8 5 40, रिमाइंडर बिकम 0. ओके, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया. इट मीन्स दिस नंबर इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, इट मीन्स 5/8 इक्वल टू 0625. देयरफॉर दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, अब हम लोग जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? जब द रिमाइंडर कीप्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड द कोशेंट आल्सो कीप्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तब हम लोग का जो डेसिमल क्रिएट होता है उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं. लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने एक एग्जांपल आपको दिखाया था कि हम लोग कब बार यूज़ करते हैं, तो बार हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे ही यूज़ करते हैं. तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 19/7. ओके, 19/7 है, इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है. तो 7 2 इज 14, 2 टाइम्स में जाएगा. 5 इज रिमाइंडर अगेन, देन वी पुट अ डेसिमल, हम लोग एक डेसिमल लगा लिए. अब ये यहाँ पर एक जीरो आ गया, अब कितने टाइम्स में जाएगा? 7 7 14 9, अगेन 1 हमारा रिमाइंडर बच गया. अगेन 10 हम लोगों ने लिया, सेकेंड हम लोग ले लेते हैं अगेन 1 टाइम में. ओके, 1 टाइम में 7 3, अगेन मैंने 1 2 3 10 और ले लिया. तो अब कितने टाइम्स में जाएगा हमारा? 4 टाइम में 7 4 अगेन 2. ओके, फिर हम लोगों ने 3 टाइम्स 0 ले लिया है, अब हमें अलाउड नहीं करता है. फिर भी अगर आप चाहो तो इसे करते जाओगे तो इसके रिमाइंडर गो ऑन जाता ही रहेगा, बचता ही रहेगा, ये कभी फिनिश नहीं होगा, इसके रिमाइंडर एंड नहीं होगी. तो हम लोग इसको 19/7 को 2.714 यहाँ पर हम बार से डिनोट करते हैं. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पर लेकिन मैंने जो एक्सप्लेन किया था
क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट होता है सेम नंबर से, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, फिर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर अगेन एंड अगेन हम लोगों ने 3 times जीरो यूज़ कर चुका है, डेसिमल को हम लोग 3 times ही जीरो यूज़ कर लेते हैं यूज़ करते हैं। आगे चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन ये हमें अलाउड नहीं करता है, क्योंकि ये रिमाइंडर यदि कटना होता तो ये 3 times में ही हमारा कट जाता। ओके, तो इस तरह से इसे हम एक एग्जांपल के साथ और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जिसमें हमें बार बार अगेन अगेन रिपीटेटिंग नंबर मिलेगा, जस्ट लाइक 1/3 रेशनल नंबर है। इसे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3 से 1 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0, हाँ 3 3 9 1, अगेन ये डेसिमल का 0 3 3 9 1। देखिए जो रिमाइंडर है हमारा बार बार रिपीट किया जा रहा है, 3 3 9, अगेन ये फिनिश नहीं हो रहा है, रिमाइंडर ऑलवेज मेरा 1 बच जा रहा है, और क्वेश्चन है जो हमारा बार बार 3 3 3 3 रिपीट हुए जा रहा है, देन इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन बुक है, जो आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक है और जो एग्ज़ाम में कुछ एक इस तरह के सम्स आते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, आप लोग को डिवीज़न नहीं करना है, बाय ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्चुअल डिवीज़न डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एंड विच हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। आप लोगों को बिना डिवीज़न किए, ये तो मैंने आप लोगों को डिवीज़न करके समझाया है, आपको बिना डिवीज़न किए आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है, सॉरी बताना है विच वन इज़ द टर्मिनेटिंग एंड विच वन इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसे बताने के लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो होती है हमारे दिस वन, इसकी प्राइम फैक्टर हमारा क्या बन रहा है उस पर हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उसमें क्या ऑब्जर्व करना है हमें, व्हेन 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर, जब कोई भी डिनोमिनेटर का 2 and 5 प्राइम फैक्टर होता है तो इट इज़ द फैक्टर ऑफ 10, 100, 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ द 10, 100, 1000। ओके, और 2 and 5, ओके, ये तो 10 के जो फैक्टर है, 2 and 5 बोथ आर द फैक्टर एज यू नो, तो जब भी डिनोमिनेटर के 2 and 5 प्राइम फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के, तब और वो अपने आप में एक लोएस्ट फॉर्म में रहेगा, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा। ओके, तो इट विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन व्हेन द डिनोमिनेटर इज 2 and 5 आर द फैक्टर। ओके, फैक्टर ऑफ अ डिनोमिनेटर मतलब जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसके 2 and 5 फैक्टर रहेंगे। अगर 2 and 5 के अलावा डिनोमिनेटर के फैक्टर कोई दूसरा नंबर होता है, लाइक 3 है और 7 है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसके न्यूमिनेटर का जो मल्टीपल्स है, जो फैक्टर्स है, वो क्या है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करके इस चीज़ को बता सकते हैं, दिस डेसिमल नंबर इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम लोग एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सपोज़
एक मैंने नंबर रैशनल नंबर ले लिया 21 by 128। ओके अब देखिए 128 के जो 28 डिनोमिनेटर है इसका मेरा फैक्टर क्या है, तो इसके फैक्टर हम लोग 2 6 2 4 2 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स टू। ओके 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके 1 2 7 टाइम्स, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 है। ओके अब ये देखिए हमारा जो 21 है इसका फैक्टर क्या है हमारा 7 into 3। ओके इट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके तो ये हम लोग फैक्टर को डिनोमिनेटर के फैक्टर को ऑब्जर्व करते हुए ये चीज़ को हम लोगों ने एक्सप्लेन बताया है। ओके तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट फ्रेज की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग माइनस रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।